नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल में। और आज हमने शो का नाम रखा है मार्केट में स्ट्रेस चल रहा है ना आजकल। स्ट्रेस खूब चारों तरफ स्ट्रेस की बात हो रही है, स्ट्रेस चल रहे हैं लोगों के। तो कितना स्ट्रेस है मार्केट में अभी भी और आपको क्या करना है, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। तो स्ट्रेस के जरिए पूरे मार्केट को एनालाइज करेंगे कि बीता हफ्ता बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, बहुत सारे खबरों से भरा हुआ था और बहुत सारी घटनाएं हुई और मार्केट में अच्छी खासी बिकवाली हुई है स्मॉल कैप और मिड कैप के बीच में। तो क्या इस वक्त मार्केट में जो कहा गया था कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस रिच हो गए हैं छोटे और मझोले शेयर्स में, वो अब ठीक हो गया है क्या गिरने के बाद? क्या जो उनका स्ट्रेस टेस्ट कराया सेबी ने उसमें वो सब हो गया स्ट्रेस टेस्ट, क्या अभी भी कुछ बाकी है? और क्या जो सरकारी कंपनियों में बहुत तगड़ी पिटाई देखने को मिली वो डन है कि अभी और भी वहाँ कुछ होना बाकी है? क्योंकि एक साथ बहुत सारी खबरें आई और उसकी वजह से बाजार का मूड सेंटिमेंट गड़बड़ाया। इन्वेस्टर क्या सोच रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और किसी के दिमाग में कोई सवाल नहीं है, तो इसी को हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही इस समय इन्वेस्टर को, ट्रेडर को क्या करना है, क्या बहुत पैनिक है या बहुत डर लग रहा है या बहुत उत्साहित हैं कि हम खरीद ही लें क्या पूरा बाजार, इन सब पे हमारी बातचीत होगी, यही आज का एजेंडा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है, मैं परिचय कराता हूँ आपका। स्टूडियो में मेरे साथ अभय जी हैं, हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए। इस बाजार में भी आप मुस्कुरा रहे हैं, 30 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद पता चल गया कि बाजार ऊपर या नीचे आप मुस्कुराते रहिए वही ठीक है, समय निकल जाएगा। कोई फर्क मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या पर्सनल फीलिंग है। संजय सर हमारे साथ हैं, संजय सिन्हा जी फाउंडर हैं साइट्रस एडवाइजर के, और देखिए वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और सुदीप सर मार्केट एक्सपर्ट, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। और चतुर्मोता जी हमेशा की तरह मुस्कुराते रहते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा में हम लोग क्या समझें, कैसे हमारे इन्वेस्टर को समझें, तो आप अपने अपने हिसाब से बताइए मार्केट एनालाइज करके कि क्या हुआ। संजय सर आपसे शुरुआत करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इस पूरे हफ्ते में और बहुत एक तरीके से एक बड़ा करेक्शन भी देख लिया है, आपके हिसाब से क्या हुआ मार्केट में? स्ट्रेस अभी बहुत है क्या? देखिए मार्केट को जिस तरह से हम लोग देख रहे थे पिछले 2-3 महीने में भागते हुए, तो एक पलीता लगाने की जरूरत थी इस बाजार में ताकि वो अपने लेवल से करेक्ट करना शुरू कर दे। और अगर आप देखें पिछले 1 महीने में जो इवेंट्स हुए हैं वो एक पलीता नहीं, एक के बाद करीब आधे दर्जन कारण बन गए बाजार के नीचे आने के। पहला कारण तो हुआ कि आरबीआई ने कुछ एनबीएफसी पर कड़ाई की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उन एनबीएफसी के द्वारा मार्केट में पैसा लीवरेज के तौर पे पहुंच रहा था, एक कारण वो रहा। दूसरा रहा कि सेबी के चेयरपर्सन ने एक आशंका जताई कि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैं उनकी एक स्ट्रेस टेस्ट होनी चाहिए। और उसके जस्ट बाद अगर आप देखें तो उन्होंने एक और फोरम पे जो मिड कैप सॉरी द स्मॉल एंड मिड कैप एक्सचेंज जो है उसमें उन्होंने ये आशंका जताई कि कुछ मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकता है। और ये सब तो पृष्ठभूमि में बनी रहा था तब तक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आ गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जितनी जानकारी है वो अनोनिमस ना रहे, उसकी जानकारी प्रत्यक्ष की जाए। और इसे लगने लगा कि शायद कॉरपोरेट सेक्टर में इसका इसको लेके इस डिस्क्लोजर को लेके असमंजस की स्थिति बनेगी। तो देखिए वैल्यूएशन तो कुछ पॉकेट्स में ऑलरेडी खिंच गए थे और लोगों में थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो था ही बाजार को लेके। और एक के बाद एक जो इतनी सारी घटनाएं होने लगी तो आप ये कह सकते हैं कि किसी एक घटना को यह ना माना जा सकता था कि द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक, इन द सेंस कि एक ऐसा इवेंट जो कि बाजार को नीचे ला सकता है वो उसका ही कारण था। तो मैं समझता हूं कि किसी भी बुल मार्केट में इस तरह की करेक्शन का होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की करेक्शन देखें तो वो इंडेक्स से कहीं ज्यादा है। और इस करेक्शन में जो फ्रॉथ जिस शब्द का यूज किया जा रहा है कि जो बिल्कुल ऊपरी तरह पे जो एक बबल सा बन रहा था उसमें काफी हद तक सफाई हुई है। अनफॉर्चुनेटली बाजार की जो गिरावट हुई है
उसमें अच्छे स्टॉक्स भी पिट गए हैं जो अनडिजर्विंग स्टॉक्स हैं उनके साथ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बारिश के बाद पूरा वातावरण एक तरह से साफ हो जाता है, उस तरह का माहौल हमको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स है जो कि क्वालिटी के तौर पे तो अच्छे थे लेकिन प्राइस पॉइंट पर वो कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। इस करेक्शन के बाद ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं अक्रॉस द सेक्टर्स जो कि अब देखने लायक हो गए हैं और अच्छे हो गए हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक बहुत अच्छा करेक्शन है जो उनको अवसर दिला रहा है बाजार में दोबारा प्रवेश करने का, और अगर प्रवेश कर चुके हैं तो अपनी होल्डिंग्स को और आगे बढ़ाने का। ओके, प्रवेश कर चुके हैं तो होल्डिंग बढ़ाने का और प्रवेश करने के एक मौके दे रहे हैं, इस पर हम लोग और डिटेल में बाद में बात करेंगे। देखिए, जब मार्केट का मूड खराब होता है ना तो छोटी छोटी खबरें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। जैसे स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे होंगे कि 2 रुपये पेट्रोल डीजल कट गया। मार्केट को एक आशंका थी कि ऐसा होगा, 2 रुपये की कटौती बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि पेट्रोल में अभी भी 54-58 का प्रॉफिट है, अंडर रिकवरी नहीं है। डीजल में केवल अंडर रिकवरी 4-4.5 रुपये तक हो सकती है। क्रूड $85 पहुंचा, तो अब ये इतना बड़ा बहाना बन गया कि 9-10% स्टॉक गिर गए। तो ये कहते हैं ना, जब मूड खराब होता है ना तो फिर छोटी खबर बहुत खराब लगती है, और मूड ठीक होता है तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी मिलेगा अगर किसी कंपनी को, तो सर्किट लग सकता है। ये मार्केट का एक स्वभाव होता है, तो इसलिए आप लोगों को ये शो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। सुदीप सर, आप अच्छा बताइए, क्या कर इस पूरे हफ्ते में आप कुछ एक्टिविटीज़ किया आपने क्या? जैसे बुधवार को बहुत ज़बरदस्त तरीके से माहौल बना, क्या कर रहे थे आप सर, कैसा लग रहा था आपको? देखिए, मैं संजय जी के साथ कुछ हद तक सहमत हूँ। मार्केट एक लेवल पे, ऐसा लेवल पे चला गया था, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप मिड कैप की अगर बात करें, जहाँ पे एक करेक्शन ड्यू था। अब वो करेक्शन का फेरोसिटी कितना होगा, इतना जबरदस्त होगा या कम होगा, ये बताना मुश्किल था, पर लग रहा था कि एक करेक्शन ड्यू है। और एक तरह से मैं ये भी कहूंगा कि मार्केट जब कंटिन्यूअसली महीने 2-3 महीने ऐसा चढ़ता है, उसके बाद मार्केट के हेल्थ के लिए करेक्शन सही लगता है। अब करेक्शन का फेरोसिटी बहुत था, और इसका कारण जैसे संजय जी कह रहे थे, बहुत सारे ऐसे मार्केट में न्यूज आया, एक्शन रेगुलेटर्स के तरफ से आए, RBI हो या SEBI हो या सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ऐसे सब इंफॉर्मेशन या डायरेक्शंस आए, जिसके चलते मार्केट में नर्वसनेस बहुत बढ़ गया था, और इसी के चलते प्रॉफिट बुकिंग कहिए या अब कंसोलिडेशन कहिए, कुछ भी कहिए, ये देखने को मिला। अब अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं तो निवेशक को यही कह रहा था कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आपको लेना था, जो अच्छे शेयर्स आपको लेने थे, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त करेक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करना चालू कीजिए। ये बताना मुश्किल है कि कहाँ बॉटम है या कहाँ टॉप है, ये कहीं मार्केट में कोई बता नहीं पाता है। पर अगर आपको अच्छा शेयर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट जरूर करना चाहिए, और वही सलाह हम दे रहे थे। मैं स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक ही बता देता हूँ। लार्सन टुब्रो करेक्शन हुआ, कोई कारण नहीं है, तो हमने बोला कि आप खरीदो, क्यों नहीं खरीदेंगे लार्सन टुब्रो? अगर हम 4,000 रुपया का स्टॉक समझ रहे हैं, तो अगर करेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत भी करेक्शन हो रहा है, तो लेने का अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारे काउंटर्स थे जो लार्ज कैप में भी थे, जहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, और वहां पे बहुत अच्छा खरीदारी की अपॉर्चुनिटी भी आ रहा था। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी अगर आप देखें, थोड़ा बहुत नर्वसनेस है। जो इकोनॉमिक डेटा US में निकल के आ रहा है, वो मिक्स सिग्नल्स दे रहा है, और ये मिक्स सिग्नल्स के कारण वहां पे भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी मार्केट पे थोड़ा दबाव है, और ये इंडियन मार्केट के लिए भी एक ओवरहैंग कहा जा सकता है जो कि देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये 3-4 घटना तो हम लोगों ने यहाँ गिनी, सुप्रीम कोर्ट से भी, RBI पेट्रोल डीजल काट दिया, बॉन्ड भी आएंगे, विदेश वाले भी जोड़ दिए कि अब तो ये शंका बन गई जून में कट होगा कि और बहाना मिल गया उसकी, देखो अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक और मैं कहता ना, मार्केट अगर पता चल जाए तो लोग प्रभावित, तो मैं एक और बता देता हूँ बुरी खबर। सोमवार और मंगलवार को बैंक ऑफ जापान की मीटिंग है, बहुत लाइकली है कि वो लोग अपनी पॉलिसी चेंज कर दें नेगेटिव रेट वाली, तो वो भी बाजार आज दिखे ना, अब शुक्रवार के दिन एशियन मार्केट में उसको लेकर के बड़ी चिंता थी, बड़ी बड़ी खबरें लिखी गई हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो
जैसे अभी संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बारिश के बाद सब साफ हो जाता है, साफ हो जाता है, एकदम आसमान खुल जाता है, लेकिन मुंबई में कई बार हफ्तों लगातार बारिश चलती है, फिर भी सफाई तो नहीं है, फिर भी सफाई नहीं होती। मैं ये जानना चाहता हूँ ये हफ्तों वाली बारिश तो नहीं है ये कभी चलेगी? और नहीं, इतना शार्प करेक्शन जो है मेरे एक्सपीरियंस से तो एक अगर थोड़ा थोड़ा करेक्शन हो, मार्केट स्लाइड कर रहा हो तो वो लंबे समय तक चल सकता है, पर जिस तरह से ये शार्प करेक्शन हुआ कि बुरे जो बुरे मतलब जो मोमेंटम स्टॉक्स थे वो तो पिटे ही, पर उसके साथ में जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स वो भी पिटे, उन पर भी प्रेशर आया, तो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। तो इतनी जब शार्प सेलिंग होती है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है मामला, फिर ऐसा अनलेस कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रीज़न हो तो रुक जाती है बात, और उसके बाद मार्केट वापस कंसोलिडेट करना शुरू करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ये कोई बड़ा एक्सटेंडेड यू नो डिप है कि चलता ही रहेगा और आप लेंगे और फिर आपको रोज ही सस्ता मिलेगा वो स्टॉक। मुझे नहीं लगता कि उस जोन में अभी है बाजार। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा और चले क्योंकि मार्च है, एंडिंग चल रही है, तो कुछ टैक्स लोग भर रहे होंगे, वो सब हो गया, 15 तारीख थी, आज हमने भी देखा कुछ सेलिंग थी उसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स की भी, जिनको एडवांस टैक्स पूरे साल नहीं दिया और बड़ा नंबर था, उन्होंने भी सरप्राइज थे कि इतना बड़ा नंबर है। और अब की बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी प्रोएक्टिवली लोगों को रिमाइंड किया कि भाई साहब टैक्स दे दीजिए, आपका इतना बनता है हमारे हिसाब से, तो उसका प्रेशर था थोड़ा, पर आज उसका प्रेशर जो था आज तो लास्ट डेट थी तो हो गया उसका। थोड़े और टेक्निकल रीजंस हैं पर मुझे लगता है जो था, जो एक मोमेंटम सेगमेंट था मार्केट का, जो मोमेंटम पे चलता है, यहाँ पे लोग सिर्फ प्राइस देख के लेते हैं, और हमने डिस्कस भी किया आपके शो पे कई बार कि एक बड़ा सेगमेंट उसको कोई फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं, उनको चाहिए कि हर दिन अपर सर्किट लगे ऐसा स्टॉक बताओ। वो जो सेगमेंट है और वो काफ़ी लेवरेज्ड होता है वो सेगमेंट, क्योंकि वो अपना पैसा अगर 10 रुपये लगाएंगे तो उसके सामने 100 रुपये का लोन लेंगे, और वो बढ़ता जाता है उनकी पोजिशन जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है। तो वो सेगमेंट जो है वो एक जोर से कटा, तो लिक्विडिटी जो थी मार्केट में वो पूरी सकआउट हो गई एक झटके में। और मैंने देखा कि जब पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम अति हो जाती है, उसके बाद जोर से कटता है पार्टिसिपेशन, एकदम कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग लॉस लेके निकल जाते हैं। वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर रियलिटी है कि काफ़ी लोग सालों साल फिर आते ही नहीं है मार्केट में, और वो मार्केट को बुरा भला बोलते हैं बल्कि ये देखने कि उन्होंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं। तो वो सेगमेंट है, वो थोड़ा मुझे लगता है उसने ज़्यादा दुख उठाया इसमें, जो लंबे समय के इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन बढ़ाना चाहते थे, वेट कर रहे थे कि ये अच्छा समय है, कब मिलेगा, प्राइस बढ़े हुए हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि अच्छा समय है, एक मौका मिला है आपको टेक्निकल करेक्शन का कि आप डिप कर सकते हैं। अफसोस करता था, चूक गए, ले नहीं पाए। और काफी लोग थे आपने शो में काफी लोग आगे बोलते थे आप नीचे आएगा तो ले लूंगा, अब आ गया लो, लग गई सेल। अच्छा आशीष जी, ये आपके हिसाब से हो गया, खत्म हो गया कि अभी थोड़ा और मामला बाकी है? बिल्कुल। तो नीरज जी देखिए, मार्केट में वोलेटिलिटी जो आई है ये थोड़ा सा, एक तो आप काफी समय से कुछ इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो कंटिन्यूअसली एक बात चल रही थी कि एक बहुत ही शार्प रैली थी और इसका प्रॉफिट बुकिंग कई समय से डिस्कशन चल रहा था, और जब प्रॉफिट बुकिंग के रीजन बनते तो वो एक नहीं बनते, वो कई कारण एक साथ कोई ना कोई ऐसे कारण बनेंगे जो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग पर लेकर आते हैं। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ से भी क्या बड़ी गिरावट हो सकती है या ये इन्वेस्टर के लिए लेने का समय, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स है हम देखते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप के ऊपर जो कंसर्न्स है कि बहुत ही ओवरहीटेड है, बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, तो मैं पहले इंडेक्स के लेवल की बात करूं तो मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडेक्स का अगर से आप पी देखेंगे तो वहां पे पीई की रेटिंग हार्डली 5-10% की हुई है। यानी अगर से 2 साल पहले ये पी 25-26 पे हुआ करते थे 2022 में, तो आज भी ये पी आपको 26-27 के रेंज में ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो मेजोरिटी आपकी अपसाइड आई है वो आई है अर्निंग ग्रोथ की वजह से। तो मिड कैप के अंदर में शायद अर्निंग ग्रोथ 60% के ऊपर रही पिछले 2 सालों के अंदर में, और यही स्मॉल कैप के अंदर में करीब 50-55% की अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को मिली। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्त पी का एक्सपांशन हो गया और ये कंपनी, ये इंडेक्स महंगे हो गए। हाँ, कुछ पॉकेट्स थे जिनको हम ये कह सकते थे कि लो फ्लोट था, या हो सकता है कि बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेंट्रेटेड पोजिशन थी जिनके अंदर में शायद अर्निंग नहीं भी आ रही थी तो भी ये स्टॉक कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो देखिए, उनका हश्र तो एक ना एक समय पे ये होना ही था, चाहे ये मैंडेट ये चीज आ जाती आज से 3 महीने बाद आती, पर ये स्टॉक्स तो गिरते क्योंकि
बिना अर्निंग ग्रोथ के तो कोई भी कंपनी लंबे समय तक के सस्टेन नहीं करेगी। तो हमारा ये मानना है कि जो क्वालिटी कंपनीज है वहां पर अर्निंग ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, और आप देखिए जीडीपी का नंबर फिच ने अपग्रेड कर दिया 7% पे, ईवे बिल के नंबर आए जो कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर है, जबकि फरवरी में सिर्फ इस बार 29 दिन थे, तो ऑब्वियसली मतलब आप थोड़ा महीना भी कोई नहीं था, और उसके बाद भी ईवे बिल्स के जो नंबर आए वो अच्छे आए। तो ये क्लियरली है कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा आएगा। हम देख रहे हैं कि जो टैक्स के नंबर है वहां पर पे भी हम डायरेक्ट टैक्स में काफी अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डेटा है, और जिस तरह से सिप का फ्लो है 18,000 करोड़ के नंबर को हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, तो ये मुझे लगता है कि क्लियर एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं बाजार जल्दी अपना बेस बनाएगा, और इस बार थोड़ा बैलेंस पोर्टफोलियो की जरूरत है। जैसे अभी तक क्या था कि स्मॉल मिड कैप में एक बड़ी रैली आई और लार्ज कैप काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब क्योंकि हम इलेक्शन पीरियड में एंटर हो रहे हैं तो मार्केट हमेशा एक सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान देगा, तो मेरे हिसाब से ये बैलेंस करने का समय है। तो अगर से आप बहुत सिग्निफिकेंट ओवरवेट थे स्मॉल मिड कैप को, तो उसको एक रीजनेबल वेट पे लाना पड़ेगा, और मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप जैसी स्ट्रेटजीज के अंदर फोकस करना चाहिए, जहां पर पे लार्ज कैप का भी एक रीजनेबल एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में बना रहना चाहिए। ओके, बैलेंस बनाने का टाइम है, लेकिन आशीष जी कह रहे हैं कि अभी भी चूंकि अर्निंग ग्रोथ इतनी अच्छी है तो ज्यादा गिरावट आई नहीं है उस हिसाब से, हम भी दिखा रहे हैं कि एक महीने में 5-7% ही, इतने में संतुष्टि हो जाएगी ना? नहीं, 5-7 ये एवरेज करने का आप ये बहुत गलत हिसाब है। मतलब इसमें आप क्या कह रहे हैं, एक इन्वेस्टर है बेचारा 25-30% दुखी हो गया, एक है वो कह रहा मैं तो 1% भी नहीं गिरा, मेरा पोर्टफोलियो तो लार्ज कैप लेके बैठा हूँ, जो स्टॉक चले ही नहीं वो गिरे भी नहीं, तो मैं तो उसमें शोले वाला मीम चल रहा है एक, कि आज मैं जाके पूछूंगा कि मेरा क्यों गिरा भैया, चला भी नहीं था वो भी नहीं, तो पर वो 5% एवरेज नंबर है, वो पूरा मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो दिखाता नहीं है, क्योंकि जो जिस तरह से वो पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है। पर हाँ, जैसे आशीष जी ने कहा, वैल्यूएशन डेफिनेटली करेक्ट हुए हैं, मोमेंटम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, फ्रॉथ निकला है, तो एक अच्छा रीज़न है मार्केट में। फ्रेंकली सभी यही कह रहे हैं कि एक डिप करना चाहिए मार्केट में, आपको ड्रिप करके थोड़ा थोड़ा पैसा जो अगर आपके पास है कैश तो डिप्लॉय करने का। अच्छा, देखिए ये बात सही है कि जो आशीष भी कह रहे हैं उसको समझिए कि एक बहुत सारे स्टॉक में 30-30, 40-40% करेक्शन हुए, स्क्रीन पे हम दिखा भी रहे हैं, तो ये एक करेक्शन अच्छा खासा साइजेबल हो चुका है, तो इसलिए आपको उसको उस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए कि बहुत सारे स्टॉक हैं सरकारी वाले जिसमें बहुत बड़े बड़े करेक्शन हो चुके हैं, इंडेक्स पे आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि अभी आशीष ने समझाया कि वहाँ पे पी एक्सपेंशन इसलिए आपको स्टेबल दिख रहा है क्योंकि अर्निंग बहुत बढ़ती हुई वहाँ दिखी हुई है। संजय जी, एक और सवाल आपसे, ये जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ, सेबी ने कराया सबको म्यूचुअल फंड को, तो उसमें हम लोग अपनी स्क्रीन भी दिखा रहे हैं कि सबने बताया कि वो स्मॉल कैप है तो कितने दिन में अपने को कितना बेच सकते, तो इसको ये समझा जाए कि हो गया टेस्ट, सब खत्म ना, पास वास हो गए सब लोग, टेस्ट का परिणाम कैसे समझा जाए? तो देखिए, मेरे ख्याल से ये इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो शायद इन्वेस्टर को एक वेकअप कॉल देना था कि आप जिस तरह से बेतहाशा स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको इस बात से सजग होना चाहिए कि अगर इन फंड्स पर अगर रन हुआ, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा पे रिडेम्पशन होना शुरू हो गया, तो हो सकता है कि आपको आपके पैसे उस एनएवी पर ना मिले जो कि आपको दिख रहा है, क्योंकि इन फंड्स को लिक्विडेट करने में 25% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना समय लगेगा और 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में कितना लगेगा। लेकिन सही माने में अगर देखें नीरज जी, तो ये एक्चुअली एक थ्योरेटिकल नंबर है। आज तक म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी म्यूचुअल फंड में 25% का रिडेम्पशन एक छोटे समय में हो गया है। रिडेम्पशन की मात्रा अगर इतनी ज्यादा होती तो इस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होता। रिडेम्पशन जब होता भी है तो मुश्किल से मुश्किल फंड का 1% या 2% के आसपास ही होता है। तो मेरे ख्याल से जो पर्पस था रेगुलेटर का कि स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स के प्रति जो इन्वेस्टर ब्लाइंडली दौड़े जा रहे थे, उनको इस बात से सजग करना कि ठीक है, आप अगर समझते हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप आकर्षक है तो आप ये भी जान लीजिए कि इस रिटर्न पोटेंशियल के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जो कि लिक्विडिटी का है, और ये करना बहुत जरूरी था क्योंकि अगर आप देखें तो जो स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे जितना कि उनमें इनफ्लोज आ रहा था, यानी कि वो
नए पैसे से अधिकतर वही स्टॉक्स खरीद रहे थे जो कि उनके पोर्टफोलियो में थे। तो अगर कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हो रहा है और अगर मार्केट की टेक्निकल्स नहीं बदल रही है, उन स्टॉक्स का एवरेज ट्रेडिंग ऑन अ गिवन डे कुछ हजार शेयर्स ही हैं और आप उसको खरीदे जा रहे हैं, तो आपके खरीदने से भी उनकी वैल्यू बढ़ रही थी, तो सॉरी वैल्यू नहीं, उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे। तो ये जो मिला जुला असर था, जो कि एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक विशेष साइकिल पैदा कर सकता था कि आप उसी चीज में पैसा डालते जा रहे हैं जो कि उतना डिजर्विंग नहीं है और आपके खरीदने से उसका प्राइस बढ़ रहा है और साइड में खड़ा रिटेल इन्वेस्टर उस प्राइस अप्रिसिएशन को ये समझ रहा था कि अच्छा ये स्टॉक तो बहुत अच्छा है, इसका प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि उसकी फंडामेंटल वैल्यू उतनी की उतनी है, खाली लिक्विडिटी के कारण उसके प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये पर्पस बहुत अच्छी तरह से सर्व हो गया है और हो सकता है जैसा कि आशीष कह रहे थे कि झुकाव अब हो सकता है कि मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट से हटके थोड़ा लार्ज कैप सेगमेंट के प्रति या जो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप सेगमेंट है उसके तरफ बढ़े तो अच्छा है। क्योंकि देखिए ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आप अगर मार्केट के कैपिटलाइजेशन को देखें तो आज भी मार्केट का जो बड़ा कैपिटलाइजेशन है यानी कि जहां बड़ा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है वो 85% जो है वो लार्ज कैप में है, 15% ही है जो कि स्मॉल एंड मिड कैप में है। तो ये मानना कि ओवरनाइट हम उस 15% में डाल देंगे पैसा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे और वो 85% जो वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ये इलॉजिकल है। यानी कि जैसा कह रहे थे हमारे पहले कि आपको थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, तो वो पर्पस बहुत अच्छी तरह से इस एक्शन के द्वारा हो गया है। एक समस्या नहीं, एक सवाल है मेरा। सुदीप सर आप बताइए कि SIP तो अभी चल रही उतनी, लमसम पे 4-5 फंड ने रोक लगाई है, बाकी फंड में आ ही रहा है अभी भी। लोग कह रहे हैं कि हमने कंफर्टेबल है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, तो क्या फ्लो थोड़ा कम होंगे तब ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी? कैसे कैसे मैनेज करेंगे? पैसा तो आ ही रहा है। जी मैं तो हमारे बाकी सब जो पैनल में है वो जो कह रहे हैं, मैं वही बात दोहराऊंगा आपको कि जरूरी ये था कि फंड का जो फ्लो है वो स्मॉल मिड कैप से थोड़ा लार्ज कैप की तरफ डाइवर्ट हो, क्योंकि ये मार्केट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है, जो कि एक्सीडिंगली ओवरवेट है, 85% जैसे संजय जी कह रहे थे, वो लार्ज कैप है, और पैसा उस लार्ज कैप में आने के बजाय स्मॉल और मिड कैप की तरफ दौड़ रहा था। तो ये थोड़ा एक गलत दिशा में मार्केट या इन्वेस्टर्स का मूवमेंट हो रहा था। उसी का कोर्स करेक्शन के लिए इनडायरेक्टली, देखिए सेबी ये नहीं कह सकता कि आप मिड कैप में मत निवेश करिए या स्मॉल कैप में निवेश मत करिए, वो कह रहे हैं कि आप देखो क्या रिस्क है, आप देखो क्या किसमें आप निवेश कर रहे हो, उसको ध्यान से समझो, और ये अगर आप समझ रहे हो तो आप लार्ज कैप की तरफ जाओ, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और हम लोग तो हमेशा, मतलब हमेशा तो नहीं कहूंगा, पर पिछले 3-4-6 महीने से ये कह रहे हैं कि लार्ज कैप में जरूर ध्यान देना चाहिए निवेशकों को, और स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अगर आपका एक सिस्टमेटिक वे में SIP के जरिए कोई मिड कैप फंड में पैसा डाल रहे हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि उसमें बुराई नहीं है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसके क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ठीक ठाक है, तो आप उसको चालू रखिए, उसमें से एग्जिट लेने की या उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पास नया पैसा है या आप नया चालू करना चाहते हैं तो जरूर आप लार्ज कैप में SIP करिए या लार्ज कैप फंड्स में निवेश करिए, वो निवेशक के हित में होगा और वो एक्चुअली आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। तो ये दिशा चेंज करना बहुत जरूरी था, और शायद वो दिशा चेंज अभी हो रहा है और होगा भी, क्योंकि जो इनफ्लोस अगर आप देखें, इनफ्लोस लार्ज स्मॉल और मिड कैप पे बहुत ज्यादा आ रहा था इंस्टेड ऑफ कमिंग इन लार्ज कैप। अब HDFC बैंक चलेगा? अच्छा ये बताइए आपको मालूम है, मुझे तो मैं तो क्वेश्चन ही पूछ सकता हूँ अच्छा मुझे लगा बता रहे थे मैं तो ये मतलब अब सुन के मुझे लग रहा है कि अब चलेगा क्योंकि लार्ज कैप की तरफ पैसा जाना चाहिए। फंड मैनेजर्स की उलझन बढ़ गई, कैसे कैसे करें भाई, बड़े स्टॉक में पैसा लगाना है या
गुड क्वालिटी में, तो मतलब थोड़ा समस्या बढ़ गई, उलझन बढ़ गई क्या फंड मैनेजर्स के लिए, एक चैलेंज आ गया? अब जब बुल मार्केट में लोग समझते नहीं है, बुल मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब बेयर मार्केट में बहुत ऑप्शंस हैं, पैसा कम आता है पर ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। दोबारा से बताइए दर्शकों की, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। देखिए क्या होता है, इसको बड़ी सिंपली समझाता हूँ मैं कि एक मार्केट है, मार्केट का हम एज्यूम करते हैं 100 रुपये वैल्यू है उस मार्केट की, रियल वैल्यू। दूसरी तरफ पैसा जो है मार्केट में डालने वाले वो 80 रुपये डालने वाले हैं, तो मार्केट 80 रुपये ही आएगा, तो जो वैल्यू है 100 रुपये की है पर पैसा आया 80, तो आपके पास वो मार्केट अंडर वैल्यूड है। तो वो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए बड़ा अच्छा मार्केट है, क्योंकि मेरे को अंडर वैल्यूड स्टॉक्स मिल रहे हैं सारे, तो मेरे पास पैसा जो भी आ रहा है मैं आराम से ले सकता हूँ, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पैसा ज़्यादा आना शुरू हुआ, 100 हुआ, 120 हुआ, 150 हुआ, तो अब वो पैसा मार्केट में गया, वैल्यू 100 ही है पर जो पैसा टोटल आया वो 150 हो गया, तो उसकी वजह से जो प्राइस बढ़ गया वैल्यू तो वही रही, तो वो मार्केट ओवरबॉट हो गया, स्पेकुलेटिव हो गया, और वो बढ़ता ही जा रहा है पैसा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस पैसे को कम करें या फिर आप वैल्यू को बढ़ाएं, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, प्लस नए IPOs आए, सप्लाई आ रही है स्टॉक की, IPOs आ रहे हैं, वो सब थोड़ा ले रहे हैं, पर वैल्यू तो अपने दम से ही बढ़ेगी। 10% GDP आपका है, 7-8%, उसको डबल कर लीजिए, 15% अर्निंग्स ग्रोथ है, तो वो 100 रुपये 15% के रेट से बढ़ रहा है साल दर साल। पर दूसरी तरफ सप्लाई तो बढ़े जा रही है, तो जैसे जैसे ये सप्लाई बढ़ रही है मेरे लिए एज अ फंड मैनेजर तो मुश्किल हो जा रहा है, बिकॉज मैं कहाँ ढूंढूँ, मतलब मेरे को बचते ही नहीं है ना, सब और भी दिग्गज बैठे हैं, मैं ही थोड़ी ना हूँ, तो सारे फंड मैनेजर्स के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है बुल मार्केट में इन्वेस्ट करना। बुल मार्केट में पैसा बहुत आता है क्योंकि सब चेस करते हैं रिटर्न को, जब बेयर मार्केट होता है जब देना चाहिए तो बहुत कम लोग देते हैं। तो ये बड़ी ये मार्केट की ही उलझन है, हमेशा से रही है। और ये जो सप्लाई की मैंने आपको बताई, इस सप्लाई को कम करने के लिए जो रेगुलेटर कदम उठा रहे हैं, स्ट्रेस टेस्ट कर रहे हैं कि भाई लेवरेज कम करो सिस्टम में, लोगों को पैसा स्पेकुलेटिव के लिए मत दो, मार्जिन्स मनी आप ऑप्शंस FNO उसके लिए मत दो, काटो उसको, तो ये उसी का एक, जो गोल्ड लोन लेके भी लोग पैसा मार्केट में, मतलब गोल्ड दिया, लोन लिया, मार्केट में लगा दिया, तो वो सब जो है फ्लो फ्रॉथ जिसको हम कहते हैं, वो यही है कि एक्सेस सप्लाई आ रही है मार्केट में, जो कोई वैल्यू नहीं देख रहा, वो सर प्राइस देख रहे हैं कि भाई ऊपर जा रहा है तो चलो और डालो। तो वो रेगुलेटर ने कोशिश करी कि निकले, तो वही मैंने कहा काफ़ी फ्रॉथ निकला है एक झटके में, थोड़ा और जो है वो भी धीरे धीरे मेरे को लगता है निकल जाएगा। ओके आशीष जी, बुल मार्केट में स्टॉक ढूंढना खरीदना बड़ा मुश्किल काम है, और बेयर मार्केट में सब सस्ता मिल रहा, चाहे जो ले लो, उधर तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपने अपनी स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव किया? बिल्कुल, तो नीरज जी जैसे हम लास्ट 1.5 महीने से हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट था ही, और हमने हमारा जो मिड कैप का एलोकेशन था वो 42% के ऊपर, मिड एंड स्मॉल का 42% के ऊपर एलोकेशन चला गया था, उसको हमने धीरे धीरे करके 30% पे ला दिया पिछले 1 महीने के अंदर में, और हमें लगता है कि उसकी वजह से एक थोड़ा सा कम्फर्ट हमें ये आया कि जब गिरावट बड़ी आई तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पोर्टफोलियोस पे नहीं आया। अब ऑब्वियसली उसका एक एक दूसरा भी पहलू है कि कल अगर से स्मॉल मिड कैप वापस जोड़ के चल गए तो फिर एक फंड मैनेजर की बड़ी दुविधा ये होती कि फिर कितनी जल्दी वो अपनी पोजीशन को एक नॉर्मल लेवल पे लाए। बट जैसे कि हम ये भी देख रहे थे, हम तो FTPM अप्रोच फॉलो करते हैं जहाँ फंडामेंटल, टेक्निकल, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी, इन चार चीजों को कंबाइन करते हैं, और इसको देख के हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट जब से सेबी ने थोड़ा कमेंट की तो उसके बाद से लगता ही था कि ये थोड़ा कहीं ना कहीं अब एक सेलिंग प्रेशर स्मॉल मिड कैप में बन सकता है, और इसके चलते हमने पोजीशन कम किए। बट अब मैं ये मानता हूँ कि ये पोजीशन को हम 30% जो स्मॉल मिड कैप में, उसको शायद 42 लाना अभी इतनी जल्दी हमें लगता नहीं कि हम आएंगे, क्योंकि जो कंफर्ट अभी लार्ज कैप में है, और कंसीडरिंग इलेक्शन का महीना आएगा, थोड़ी वोलेटिलिटी मार्केट में बनेगी, इसको ही देख के मैंने कहा कि अब मल्टी कैप पोर्टफोलियो, फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, जहां पर पे थोड़ा एलोकेशन अब आपको एक अच्छा एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन की भी कंफर्ट आपको आ रही है। आप देखेंगे कि निफ्टी 50 का जो पी एक्सपेक्टेड है वो करीब करीब 1250-1260 की बात हो रही है, और अगर से आप इसको भी 20 का पी मल्टीपल देते तो एक रीजनेबल अपसाइड आपको लार्ज कैप में भी देखने को नजर आ सकती है। साथ ही साथ बैंकिंग हो गए या कई ऐसे सेक्टर है, IT हो गया, फार्मा हो गया, इन्होंने तो इस रैली में कहीं भी पार्टिसिपेट ही नहीं किया बड़ा, लार्ज कैप बैंकिंग की हम बात करें, प्राइवेट बैंकिंग की, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सेफ्टी के नजरिए से इस स्पेस में थोड़ी जगह बनाने की जरूरत है, पोर्टफोलियो को थोड़ा सेक्टर का रोटेशन करने की इस समय मुझे लगता है जरूरत है, इससे मुझे लगता है काफी पोर्टफोलियोस के अंदर देखने को नजर आएगी।
ओके, इससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अच्छा, एक एक सवाल और, क्या इन्वेस्टर्स ने सबक ले लिया होगा? मुझे नहीं लगता ये लालच ऐसी बला है कि किसी को कोई सबक नहीं मिलता। सब मार्केट में एक ही चीज़ देखते हैं कि भाई बनेगा। मुझे लगता है जो ग्रीड है वो ज़्यादा ड्राइव करता है फियर से। फियर होता है लोगों को थोड़ा, पर फिर एक हर एक की एबिलिटी नहीं है कि रिसर्च करे, अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढे, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए। तो एक झटका लगता है लोगों को, फिर वो वापस जाते हैं, थोड़ा दिन देखते हैं, फिर वापस ढूंढते हैं कि अब क्या नई थीम चल रही है, नया स्टॉक चल रहा है। तो थोड़े दिन का डर है, पर मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन तक ये डर रहेगा लोगों के मन में। ये तो बड़ी बात कह रहे हैं। अच्छा संजय जी, आप बहुत तजुर्बा है आपके पास, मुझे एक एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपसे कहना है। अपने इसे पिछले हफ्ते से ही उदाहरण लेते हैं, जिस दिन बहुत भयानक गिरावट आई और उसके अगले दिन विदाउट नेमिंग कई कई स्टॉक 10-10, 12-12, 15% की ऐसी रैली दिखाई, जैसे लग रहा है दोबारा तो कभी जिंदगी में मिलेगा नहीं, और फिर उसके बाद शुक्रवार को वही कांड हो गया। तो जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजी में अभी भी वो कॉन्शियसनेस नहीं जागी है कि भाई थोड़ा सतर्क होना जरूरी है? अगर अब तक वो भावना जागी नहीं थी नीरज जी, तो पिछले 2 दिनों में जरूर जग गई होगी। जाएगी। हाँ, क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से क्या हुआ है, इन्वेस्टर ने इस गिरावट में कोई लेसन नहीं सीखा होगा, लेकिन स्पेक्युलेटर ने जरूर सीखा होगा। क्योंकि ये जो दो सेगमेंट्स हैं मार्केट के, इन्वेस्टर जो आपके बगल में अभय बैठे हुए हैं वो इन्वेस्टर हैं, वो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, तो इसलिए वो कंपनी की वैल्यू को देखते हैं। लेकिन जो स्पेक्युलेटर है वो शॉर्ट टर्म गेन्स को पर ज्यादा फोकस रहता है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ महीनों में जो स्मॉल कैप और मिड कैप की जो रैली हुई, जिसमें आड़े टेढ़े स्टॉक्स भागने लगे। मैं आपको एक उदाहरण ही दे देता हूँ बिना स्टॉक का नाम लिए। ये पीएसयू बैंक की जब रैली शुरू हुई, तो जो बड़े बड़े पीएसयू बैंक थे जिनमें की फंडामेंटल वर्थ था वो तो चले ही, लेकिन जो छोटे छोटे पीएसयू बैंक थे उनकी रैली अगर आप देखें तो उनकी रैली तो और भी ज्यादा तेज थी। लेकिन अगर आप वैल्युएशन पर नापेंगे तो जो बड़े बड़े पीएसयू बैंक थे वो इतने रैली करने के बाद भी अपने प्राइस टू बुक वैल्यू पर आप देखें तो 1.25 टाइम्स मैक्सिमम गए होंगे अभी तक। लेकिन ये जो छोटे पीएसयू बैंक थे जिन्होंने रैली किया, वो ट्रेड करने लगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स देयर बुक वैल्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है मार्केट में वो वैल्यू वैल्यू को बिल्कुल नहीं देखता, वो सिर्फ प्राइस परफॉर्मेंस को देखता है। तो वो जो प्राइस परफॉर्मेंस में, और जैसा कि सुदीप भी कह रहे थे कि वो लीवरेज करके बाजार में प्रवेश कर जाता है, तो वो उसकी पोजीशन जो है ना वो उस आदमी की तरह है जो कि एक सीढ़ी पर तो चढ़ गया है लेकिन सीढ़ी के नीचे जो तेल छलक रहा है वो उसको दिख नहीं रहा है। जिस दिन ये तेल उस सीढ़ी को गिराएगा वो इतने जोर से गिरता है कि उसकी जो चोट है उसके लिए उसका अस्पताल में जमा भर्ती होना बिल्कुल निश्चित है। तो ये जो इंडेक्स जो हमको नहीं दर्शा रहा है डैमेज, इंडिविजुअल स्टॉक्स दिखा रहे हैं जैसे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना। देखिए ये सब जो स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स हैं उनमें 35 से 50% तो एवरेज करेक्शन हुआ है। तो आप समझ जाइए कि जो लीवरेज स्पेक्यूलेटर है बाजार में उसको कितनी बड़ी आहत पहुंची होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो फ्रॉथ की क्लीनिंग हुई है ना, उससे एक जो साइड बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि ये जो स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट जो कि बाजार को ड्राइव कर रहा था, अब वो थोड़ी सी बैक सीट लेगा और इन्वेस्टर को समय मिलेगा अपने पसंदीदा स्टॉक्स को अच्छे प्राइसेस पर खरीदने के। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात है भाई। ये देखिए बहुत ज़रूरी है दर्शकों को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर को समझना कि 50% जो स्टॉक गिर गया वो तो आधा हो गया, और इसको वापस चलने के लिए 100% चलना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा। सो बहुत कठिन गणित हो गई कि जी गिरा तो 50% चलेगा 100, बिल्कुल। और 100% चलना इतना आसान नहीं है। जी ये जो मुश्किल है ना, इसीलिए ये आज मैं इस चर्चा को कर रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। हम लोग बार बार ये बात कहते थे कि ऐसे स्टॉक में मत जाइए जहाँ पे सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है या किसी ने कह दिया रे तो चल ही रहा है। लेकिन एक सवाल और सर, साइकोलॉजिकल वाला, ये सुदीप सर से। सर कितना भी हम लोग समझाएं लेकिन टिकट साइज मैटर करता है ना? अभी जो संजय सर बता रहे थे उसकी पूरी धुरी वो टिकट साइज में घूमती है। 15 रुपये का है तो सस्ता ही है गुरु।
आप कितना वैल्यूएशन में समझाई, ये अलग को जरा थोड़ा समझाइए दर्शकों को मेरे, ये टिकट साइज का चक्कर बड़ा खराब है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप देखिए, जितना भी समझाएं और हम लोग सालों से समझा रहे हैं, पर वो छोटे जो शेयर्स हैं ना, उस पे एक अट्रैक्शन है। रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। अरे 15 रुपये में मिल रहा है, 10 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपये में मिल रहा है, अरे ये तो बहुत जल्दी डबल हो सकता है, 40 हो जाएगा। आप रिलायंस की बात कर रहे हो, वो तो 3,000 का है, वो 6,000 थोड़ी होगा। अब मैं 20 रुपये वाला लेता हूँ, 40 हो जाएगा। ये साइकोलॉजी तो बिल्कुल काम करता है, बहुत जबरदस्त काम करता है। और यहाँ पे देखिए, मैं निवेशक के लिए यही कहना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए, या आप अगर खुद नहीं कर सकते, किसी से मशवरा ले लीजिए, किसी से बात कर लीजिए जो कि समझता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। और पिछले 2 साल से, 2.5 साल से मैं कहूंगा, मार्केट एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। तो जितने भी नए निवेशक मार्केट में आए हैं, उन्होंने पैसा लगाया, पैसा बनाया और बहुत खुश है, और मार्केट में उनका एक, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, नशा लग गया है। कंटिन्यूअसली दे आर पुटिंग मनी इन मार्केट। बहुत अच्छी बात है, मार्केट के हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। पर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा केयरफुल तो रहिए, और केयरफुल रहिए स्ट्रक्चर्ड वे में। या तो आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, या तो किसी से मशवरा करिए। और अगर ये दोनों नहीं करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करिए। और ये तीनों अगर आप नहीं कर रहे हैं, और अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, या आप वो 10 रुपया वाला शेयर, 15 रुपया वाला शेयर, या तो 50 रुपया का शेयर, आप 15 रुपया हो गया, आप तो यहाँ से तो नीचे नहीं जाएगा, इसमें खरीदारी कर लेते हैं, ये जो सोच है, ये सोच गलत है। शायद 15 रुपया वाला शेयर ऊपर जाएगा, पर क्योंकि वो 50 रुपया से 15 हो गया, इसका मतलब आगे ऊपर ही जाएगा, ये सोचना बहुत गलत है। और इस सोच के हिसाब से अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो वो हानिकार हो सकता है आपके लिए। ये ध्यान में जरूर निवेशक को रखना चाहिए। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ ऐसी बातें भी हम लोग करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए कि इस समय उनको करना क्या है। इतना तो हमने समझा दिया कि ये मत करो, वो मत करो, करें क्या? क्या बिल्कुल असली सवाल तो ये है। अब इस चर्चा के बाद लोग कहीं ये ना पूछ ले, लेना क्या ये तो बता दो यार, तो ज्ञान तो बहुत देर से दे रहे हो आप, एक घंटे समझा रहे हो कि ये करना वो करना, अभी एक्शन पॉइंट क्या है। तो ब्रेक के बाद एग्जैक्टली इस मार्केट में आपको क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठना चाहिए, पिक्चर देखने चले जाना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लेना चाहिए, मौका मिले तो झपट लेना चाहिए, क्या करना है आपको छोटे से ब्रेक के बाद? स्वागत एक बार फिर से आपका मार्केट स्पेशल में, और आज हम जो मार्केट में एक स्ट्रेस आया है उसको बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्रेस को कैसे समझा जाए और आपको करना क्या। तब तक हम लोगों ने विश्लेषण किया कि मार्केट में हुआ क्या है, कहाँ कहाँ फ्रॉड था वो निकल गया और किस वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन इतना सब के बाद असली सवाल तो ये है कि अब क्या करना है? आप इन्वेस्टर हैं, अगर छोटे इन्वेस्टर हैं या बड़े इन्वेस्टर हैं तो क्या करना है? आशीष, आपसे शुरुआत करते हैं। लिस्ट बनाएं बैठ के, क्या थोड़ी पढ़ाई लिखाई करें, रिसर्च करें, सेक्टर देखें, क्या करना है इस समय इन्वेस्टर को? नहीं तो देखिए, मार्केट जब गिरता है तो एक सबसे अच्छी बात यही होती है कि समय मिलता है पढ़ने का। नहीं तो होता ये कि कम रिसर्च करके अगर से आपने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, तो बुल मार्केट में स्टॉक लेने नहीं मिलता है। तो एटलीस्ट अभी आपको वापस समय मिलेगा कई अपॉर्चुनिटीज को पढ़ने और समझने का। बट जैसे मैंने कहा कि देखिए, इसमें एक चीज की तो क्लैरिटी है कि अर्निंग ग्रोथ है, और अर्निंग ग्रोथ लार्ज कैप के अंदर में भी है, और वैल्यूएशन की कंफर्ट है। स्मॉल कैप मिड कैप में जैसे मैंने कहा कि आपको पिछले 2 साल में करीब 50% की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे भी अर्निंग ग्रोथ नहीं है। पर अब जो अभी आप थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे कि 15 रुपए का स्टॉक, तो मैं इसी के नजरिए से समझाना चाहता हूँ। एक कंपनी है जो इसका मार्केट कैप करीब 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर स्टॉक 15 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, और वो कंपनी सालाना 6,000 करोड़ रुपए का लॉस कर रही है। तो इन्वेस्टर ये देखना ही नहीं चाहता, इन्वेस्टर सिर्फ 15 रुपए के प्राइस पे फोकस करना चाहता है। वहीं दूसरी कंपनी है जो 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, बट जिसका शेयर प्राइस 6,000 रुपए चल रहा है, और वो कंपनी सालाना 1,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट बना रही है। इस कंपनी को इन्वेस्टर इसलिए नहीं छूता दूसरी कंपनी को, क्योंकि उसका प्राइस चल रहा है 6,000, और वो पहली कंपनी में इंटरेस्टेड है चाहे वो लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो, पर क्योंकि वो 15 रुपए पे चल रहा है। तो जब तक आप अर्निंग के साथ, मार्केट कैप के साथ कंपनी नहीं देखेंगे, तब तक ये पूरा डिस्कशन जो है इस शेयर प्राइस पे रह जाएगा, कभी वैल्यू के ऊपर नहीं आएगा।
तो वैल्यू को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल मिड कैप में स्टॉक्स नहीं है जहां वैल्यू नहीं है, बट थोड़ा सा हमें वहां ये रखना पड़ेगा कि एलोकेशन आप एग्रेसिव थे तो उस एलोकेशन को थोड़ा सा नैरो डाउन करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा अभी की एक आइडियल एलोकेशन होना चाहिए कि 60% में, मेरी जो समझ है मैं समझता हूँ कि 60% से 65% लार्ज कैप फोकस्ड होना चाहिए और 35 से 40% जो है स्मॉल मिड कैप की तरफ जाना चाहिए। ये एक आइडियल एलोकेशन होगा इस इन्वायरमेंट में जहां थोड़ी सी अब वोलेटिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही। अबे ये थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, पैनिक में आके कुछ भी मत कर दो कि अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट ही बेच दिया पैनिक में डर के मारा, ऐसे नहीं करना है ना। नहीं बिल्कुल नहीं, ये समय बिल्कुल नहीं है कि आप पैनिक करके अंडर एलोकेट कर जाए, मतलब वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी मेरे हिसाब से। सब निकल गया एकदम, हाँ सब अब निकल मैं गया, कैश कम में कर हूँ। दिया थोड़ा, ये कैश में है अब गिरेगा तो मैं ले लूँगा, वो बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड है वो, ऐसा कहना कि मेरे को मालूम है कब मार्केट गिर जाएगा तब मैं ले लूँगा, ऊपर जाएगा मैं बेच दूंगा, वो होता नहीं है और उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है लोगों का। और दूसरा मेरे को लेकिन मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, जैसे हाँ आपसे बता देखो मार्केट कितना, मैं तो पहले निकल गया था हाँ और आपने इससे कहा कि आज देखा मार्केट का, अरे यार मैं तो लेके बैठा हूँ यार, यार वो आदमी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। नहीं बिल्कुल है, हर तरह के लोग हैं मुझे, पर जो आपने दर्शकों के हिसाब से जो पूछा कि दर्शकों के जो हैं हमारे व्यूअर्स उनको क्या करना चाहिए, तो इसमें एक तो पहले जो आप भी कहते रहते हैं कई बार अपने शो में कहा, हर बार ही कहते हैं बल्कि, कि मार्केट जो है एक गेट रिच स्कीम नहीं है, यहाँ पे ये पैसा फटाफट डबल करने वाली जगह नहीं है, आप अगर वैसा सोच के आ रहे हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। राइट दूसरा क्या है मार्केट, मार्केट है कि आपकी जो सेविंग्स हैं आप उसको एक जरिया है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म के लिए, फिर जैसे आप थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, थोड़ा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, उसी तरह एक मार्केट इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए है जो आपको लंबे समय में रिटर्न देगा। जब ऐसे करेक्शन आते हैं, शार्प करेक्शन आते हैं, तो आपको एक मौका है कि आप थोड़ा एलोकेशन बढ़ा दें उसमें, अपना अंडर एलोकेट हो गए थे बढ़ा दें थोड़ा, अर्निंग्स ज़्यादा बढ़ी, सेविंग्स बढ़ी, उसको वापस एलोकेट कर दें। उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि इस तरह के जो करेक्शंस हैं वो अच्छे इन्वेस्टर के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, वो पैनिक नहीं करते। मैं तो जितने अच्छे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया है, वो तो यूज़ करते हैं ऐसे करेक्शंस को अपना एलोकेशन बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स जो हैं उनको उसी नज़रिए से देखना चाहिए, घबरा के अंडर ऐसी चीज़ों के जो नैरेटिव बन गया, चार चीज़ें हो गई, पर अब जो पॉजिटिव नैरेटिव था वो पिछले हफ्ते का वो सब भूल गए कि अभी बॉन्ड फंड में इंक्लूजन है, अभी जो रूलिंग पार्टी है उसके क्या रिजल्ट आ सब रहे हैं, जीडीपी अपडेट अपडेट वो सब भूल गए, इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं वो सब भूल गए, अब सब इसमें आ गए। अब पिछले हफ्ते आप एलोकेशन बढ़ाने को तैयार थे क्योंकि आप तेजी में थे, अब आप सोचें तो वो गलत सोचने की गलत है मेरे हिसाब से वो सोचना। मैंने न्यूज 18 का इतना बड़ा मेगा पोल दिखाया कि एनडीए 400 पार सीटें ला सकता है। तो सोचिए आप, मतलब इतना बुलिश स्टेटमेंट हाँ, है ये। इतना बुलिश किसी ने नहीं दिया। जी जून में बॉन्ड इंडेक्स है जी, इंक्लूजन है, जनवरी में ब्लूमबर्ग इंडेक्स में इंक्लूजन है, इंटरेस्ट रेट्स कह रहे हैं इंटरेस्ट कि रेट कटने की तैयारी हो रही है पूरा सब कुछ, लेकिन कुछ कोई सुनना नहीं चाहता। ये होता मार्केट नैरेटिव्स। संजय सर, इन्वेस्टर को क्या करना है, धीरे धीरे खरीदना शुरू करना चाहिए या अभी थोड़ा और वेट करना चाहिए, इस बीच जो मौका मिलेगा 2-4 दिन का तो खूब धुआंधार पढ़ाई वढ़ाई करके या किसी से सलाह लेके काम शुरू करना चाहिए? देखिए तो दो तीन हिस्सों में देखिए मैं इसका जवाब देता हूँ। पहला बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि खरीदारी जरूर करनी चाहिए और खरीदारी करनी चाहिए लार्ज कैप की तरफ, जैसे आशीष जी भी कह रहे थे कुछ 60-65%, मैं तो कहूंगा कि 80% अभी लार्ज कैप में इंक्रीमेंटल जो डिप्लॉयमेंट है वो लार्ज कैप में आना चाहिए। और इसका कारण ये है कि रिलेटिवली लार्ज कैप मुझे तो अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें से बहुत सारे पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं जहाँ पे आने वाले दिनों में 5 साल अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट बैंक्स, इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, थोड़ा अगर सोच समझ के पढ़ाई करके या किसी का एडवाइस लेके या म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप इसमें अगर निवेश करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। और हाँ रही बात निवेश की, एक साथ निवेश करें, मेरा सलाह तो ये होगा कभी भी मार्केट में एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए, या आप SIP के जरिए करिए या थोड़ा थोड़ा करके। मार्केट अभी गिर रहा है जरूर लेना चाहिए, अगर आपके पास लिक्विडिटी अवेलेबल है मैं तो कह रहा हूँ कि जरूर आप लार्ज कैप शेयर्स में जहाँ पे करेक्शन हो रहा है मार्केट का सेंटिमेंट के हिसाब से करेक्शन थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है लार्ज कैप में भी, अच्छे कंपनीज में भी, तो वहां पे जरूर खरीदारी करिए।
तो मेरा सलाह तो ये होगा कि अपना अच्छा अगला 5 साल के लिए पोर्टफोलियो बिल्ड करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी ये करेक्शन आपको दे रहा है, तो आप जरूर मार्केट पे ध्यान रखिए और थोड़ा थोड़ा करके हर लेवल पे लेते रहिए। अगर मार्केट आज 100 पॉइंट गिरा तो यहाँ पे आप कुछ लिया, मंडे अगर और कुछ गिरा तो वहां पे भी लीजिए, फिर थोड़ा बड़ा वहां पे लीजिए, ऐसे करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए। संजय जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका एक पोर्टफोलियो है, जो भी है वो ऊपर नीचे इस समय जो भी हुआ होगा, लेकिन उसके पास 100 रुपये और हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, कंसिडरिंग कि अभी वो थोड़ा इंतजार कर ले, चुनाव के नतीजे भी देख ले। ऐसे बहुत कॉशियस लोग होंगे कि यार अभी तो इलेक्शन भी है, वो भी देख लेते हैं एक बार, तो प्रतीक्षा करके फिर पैसा डालना शुरू करे, या वो ये करे कि अब बहुत सारे मिड कैप भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जो इस मतलब सब धान 22 पसेरी तोल दिए गए हैं, कि आप भी गिरो, सब गिरो यार, सब लोग बड़े हुए हो, तो वहाँ पकड़ ले, पैसे लगाए, जो मिड कैप इस समय सबसे हेटेड आइटम बन गया है उसमें भी अपॉर्चुनिटी उसको देखनी चाहिए। तो देखिए नीरज जी, आपके स्क्रीन पर ही कुछ देर पहले एक ग्राफिक दिखाया जा रहा था जहां पर कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स की गिरावट 5 से 7% हुई है पिछले 1 सप्ताह में। बट 1 सप्ताह में अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की करेक्शन देखें तो अच्छे क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो 35 से 50% नीचे गिर गए हैं। दूसरी बात जो है कि आज ना बाजार बहुत डेमोक्रेटिक हो गया है। पहले एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत लिमिटेड हुआ करता था, लेकिन अभी इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आम निवेशक को भी प्राप्त होता है। मैं तो अभी भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि जब हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट करियर शुरू की थी तो कंपनी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम 100 शेयर खरीदने पड़ते थे ताकि उसके एनुअल रिपोर्ट आपके पास आए। अभी तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, हर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर अपलोड करता है और इससे जानकारी आपको बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाती है। तो लोगों को इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और जो इंफॉर्मेशन जो इतनी आसानी से उपलब्ध है उसका भी फायदा उठाना चाहिए। और इस गिरावट में देखिए, इंडेक्स कब बॉटम आउट करेगा और आपका स्टॉक्स कब बॉटम आउट करेगा, दोनों एक साथ शायद ना हो। स्टॉक्स शायद बहुत पहले बॉटम आउट हो जाए, इंडेक्स बाद में बॉटम आउट हो, या संभव है कि आपके स्टॉक्स एक्चुअली रैली करना शुरू कर दे जबकि आपकी इंडेक्स बॉटम आउट हो रही होगी। तो मेरा एक ही सबसे महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा लोगों को कि ये जो हम प्राइस को चेज करते हैं ना, इससे हमको थोड़ा हटना पड़ेगा। हमको थोड़ा वैल्यू चेज करने वाली जो पद्धति है या उसको उसकी तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा और हमें ये देखना होगा कि क्या हम उस स्टॉक को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमने खरीदा और उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ते चले गई तो वो अच्छा है, या उस स्टॉक में फंडामेंटल वर्थ है और उसके कारण उसमें प्राइस डिस्कवरी हो रही है। तो ये एक बहुत बढ़िया समय है जब लोगों को ये इंट्रोस्पेक्शन करके देख लेना चाहिए कि उनके पोर्टफोलियो में मोमेंटम कितना और क्वालिटी कितना। और अगर हम सिर्फ मोमेंटम के प्रति झुके हुए हैं, भले ही वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, तो हमें उधर से अपनी जो झुकाव है उसको बदल के जी क्वालिटी की तरफ लाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जो कि बाजार में कभी ना खरीदने का समय हो, और ऐसा कोई भी समय नहीं हो जहां पर बाजार में बेचने का समय ना हो। तो इसी के लिए एज फंड मैनेजर्स हमने भी जो महसूस किया जी कि हम अपने पोर्टफोलियो में भी जब नया पैसा आ रहा था तो हमको बहुत बड़ी समस्या इस बात की हो रही थी कि हमको या तो मिड कैप में वैल्यूएशन कर्व में ऊपर जाना पड़ रहा था उसी स्टॉक को खरीदने के लिए, या फिर हमको क्वालिटी पे नीचे आना पड़ रहा था नए स्टॉक्स को चुनने के लिए। तो ये जो फ्रॉथ हटने का जो फेज हुआ है, और मैं समझता हूं कि चूंकि इसमें आघात बाजार के स्पेकुलेटर्स को ज्यादा पड़ा है, यहां से रिकवरी यू शेप्ड होगी, वी शेप्ड होने की संभावना मुझे कम लगती है। तो आपको समय भी मिलेगा अपने स्टॉक्स को बटोरने का। तो जरूर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको समझ में आते हो वही लें। बिल्कुल, जो समझ में आते हैं वो लें। और देखिए, ये सब हमारे जो विद्वान मेहमान लोग हैं, 20 20 30 30 साल का अनुभव देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के आए हैं, और आपको ये मुफ्त में सलाह मिल रही है। मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, वो हमेशा जब मुझसे कुछ बात करता हूँ, दवा पूछता हूँ ना,
तो नहीं बताता, कहता यार तुम फ्री में पूछते हो इसलिए तुम उसकी वैल्यू नहीं करते हो, अभी मैं 500 रुपये का पर्चा काटूंगा ना तो तुमको पैरासीटामोल ही बहुत सही लगेगी। तो अगर इतनी अच्छी बातें आपको फ्री में सिखाई जा रही हैं, प्लीज़ इसकी वैल्यू करिए, क्योंकि आपका पैसा है और आपको मैनेज करना है, और आपको हम ये शो इसीलिए बना के दे रहे हैं कि आप आसानी से करें, क्योंकि बनाना बहुत आसान है पैसा, और बहुत मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि अच्छे स्टॉक ढूंढ के अभी ले लो, नीचे पड़े हुए एकदम, मुश्किल उस दिन होगी जिस दिन वो 3 गुना हो जाएगा, फिर आप कहोगे हाँ ये मुझे सही लग रहा है। तो ये जो वैल्यूएबल आपको जानकारी दी जा रही है, इसका फ़ायदा उठाइए। अब जी एक बहुत छोटा सा कमेंट 30 सेकंड का आपसे, मेरे मुझे तो ये लगता है कि अगर आपने कोई अच्छी क्वालिटी का स्टॉक ले लिया था जी, सब ने यही सलाह दी, और वो स्टॉक एक्चुअली 50% गिर गया है, तो कृपा करके उसको बेचिएगा मत, बिल्कुल है ना, डर के मारे अरे यार ये भी गिर रहा है, हटाओ निकालो सब कैश में आ जाओ, दूसरा खरीदें कोई, क्योंकि वही स्टॉक फिर से चलेगा और वो सबसे पहले चलेगा। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपने अच्छे क्वालिटी स्टॉक ही बेच दिया क्योंकि वो गिर गया था। की बात है ना, संजय जी ने जो कहा कि प्राइस को मत चेज करिए, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे मतलब प्राइस एक्शन देखिए कि गिर गया तो बुरा है तो बेच देता हूँ, ऊपर चला गया तो अच्छा है, वो कोई सेंस नहीं है। फिर आप एक स्पेकुलेटर है, अच्छा है आप घर पे बैठिए टीवी देखिए, मार्केट में मत आइए। बिल्कुल। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 30% भी गिर गया है, 40% भी नेगेटिव चल रहा है और आपने अच्छी क्वालिटी के स्टॉक लिए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही स्टॉक आपको मालामाल करके देंगे। आपको इस समय फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। ये शो आपने देखा ही है, बहुत कुछ समझ में आ गया है, थोड़ी सी लिस्ट आप बनाएं अपनी, कहाँ कहाँ क्या देखें उसके हिसाब से काम करें। और ये भी ज़रूरी है कि जो हम लोगों ने यहाँ सुझाव दिए हैं या किसी शेयर का नाम ले लिया है, तो ये सब आप दोबारा पढ़िएगा, किसी से पूछिएगा, राय लीजिएगा, क्योंकि यहाँ भी कोई भी एक्शन करने के लिए आपको राय नहीं दी गई, किसी भी एनालिस्ट ने नहीं दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको फ़ायदा होगा इस मुश्किल के समय में, आपको अगर डर लग रहा होगा तो ये देखने के बाद अब आप डरेंगे नहीं कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का, वीकेंड है, एंजॉय करिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, और कोई एक फिल्म भी देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।